वीरू का जो खेल है वो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग पे है और ये बेसिकली एक मजाक चल रहा है, साइंस का हाईजैक हो गया है और ये लोग खेल रहे हैं। कैसा है बैंक है सीक्वेंस का, देखो इशारों में बात करना पड़ेगा क्योंकि मैं QI नहीं है जो मैंने ऐसा बात किया और मेरा वीडियो डिलीट नहीं होएगा, मेरा वीडियो डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली ये लोग सीक्वेंस डाले हुए हैं, देखो ये स्टार्ट टू एंड झोल है, ये स्कैम है। कैसे बताता हूँ, गवर्नमेंट का कुछ प्रोपेगेंडा है और मैं एक PhD कर रहा हूँ, WHO के जो भी सब लोग डॉक्टर लगाते हैं सामने नाम के आगे, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है, वो लोग ने कुछ PhD किया रहेगा, वो भी फेक ही रहेगा और वो डॉक्टर उसका लगाते हैं, दे डोंट हैव मेडिकल डिग्री। तो देखो कैसा है, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, जॉब नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करेगा, PhD करेगा और एज ए साइंटिस्ट, और मैं बोल देगा क्लाइमेट चेंज, गैस, गाय का गैस से ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, गाय के वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली सरकार खुश हो जाएगी क्योंकि सरकार को जो प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने का है उसको तूने साइंस से सपोर्ट किया, मतलब मेड अप साइंस, मन का साइंस से, और सरकार वो साइंस यूज़ करेगी प्रोपेगेंडा के लिए, और तुमने जो बकवास किया है वो साइंटिफिक जर्नल में आएगा क्योंकि इट सूट्स देयर एजेंडा, और तुमको पदवी मिलेगा, फंडिंग मिलेगा, और ऐसा करके जो डीप स्टेट को चाहिए वैसा ही साइंस का रिसर्च होता है। क्योंकि अगर मैं साइंटिस्ट है, मैं कुछ चीज़ बना तो नहीं रहा है, मैं सिर्फ थियोरीज बना रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा थियोरी बनाया कि गाय का गोबर से ये होता है या गाय से इतना फ़ायदा होता है, तो मेरे को चाराने का फंडिंग भी नहीं मिलेगा, लात मिलेगा, और हो सकता है मैंने वो स्टडी पब्लिश भी किया तो भी वो किसी साइंटिफिक जर्नल में आएगा नहीं। साइंटिफिक जर्नल में तभी आएगा जब तुम सरकार को जाइए, जो चाहिए वो प्रोपेगेंडा पे बात करोगे, और ऐसा ये सब मेड अप फेक साइंस है। और इनका जो रिसर्च बोलता है, देखो अगर मैं साइंटिस्ट है तो मेरा इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, मेरा इनकम सोर्स ग्रांट, गवर्नमेंट फंडिंग और फार्मा फंडिंग से ही आएगा, तो झक मार के उनको जो चाहिए वो हिसाब से मेरे को साइंस लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को चाराने का फंडिंग नहीं आएगा, और इतना बड़ा लैब रहता है वो चला नहीं सकते तुम, 5 या 10 मिलियन डॉलर लगता है लैब खोलने के लिए। और कुछ ये सैम बेली, ये लोग के जो नो विराट कोहली वाला ग्रुप है, कुछ लोगों के खुद के लैब्स हैं, और ये लोग ने जो पेपर पब्लिश किए हैं, मन के लिखा हुआ साइंस के, उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड दे हैव प्रूव्ड कि विराट कोहली डजेंट एग्जिस्ट। योहान टेंगरा के जो भी पॉइंट्स है, हर 2-3 दिन में सैम बेली और उनका ग्रुप, नो विराट कोहली का ग्रुप है उन लोग का, वो लोग पॉइंट्स एड्रेस करते, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो एड्रेस करेंगे अगले वीडियो में। हर 2-3 दिन के बाद वो लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है एंड दे एड्रेस दोज पॉइंट्स। तो इसने जो भी बोला है वो टोटल गलत है, एंड उसके जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी सैम बेली और उनके नाम मैं भूल गया, वो लोग ने वीडियो में एड्रेस किए हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियो है जो मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो बेसिकली
ऐसा फंडिंग होता है, क्योंकि साइंटिस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ज़्यादातर वो थियोरीज लिखता है और किसी को भी किसी चीज़ से जोड़ा जा सकता है। अभी योहान बोल रहा था कि विराट कोहली का टुकड़ा मिला और वो बीमार नहीं है और ये बीमार है, तो ये सिम्टोमेटिक है, ये सिम्टोमेटिक है, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा है और इसका इम्यून सिस्टम खराब है, ऐसा कंक्लूजन। तो ज़रूरी है कि विराट कोहली से ही आदमी बीमार गिरता रहेगा, वो दूसरा कुछ चीज़ हुआ रहेगा और इसके वजह से वो बीमार रहेगा। पहला पॉइंट तो ये है, कभी भी किसी का मुँह का ऐसा निकालेगा लिक्विड विराट कोहली निकलेगा, वो विराट कोहली है नहीं। तुम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, नहीं दिखेगा, वो सीक्वेंसेस है जीनोम के, और वो किसके हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो विराट कोहली का जीनोम्स है और इसका मतलब तेरे अंदर विराट कोहली है और इसका मतलब तू एसिम्प्टोमेटिक है और तू फैला सकता है। तो पूरा गार्बेज राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये साइंस नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इनको वो यूज़ करके कंट्रीज का टेक ओवर हो रहा है और अपने क्रांतिकारी उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये एक सैड पार्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ तबाह हो रहा है, पूरा कंट्री का टेक ओवर हो चुका है हेल्थ के नाम पे। गाइडलाइंस WHO बनाएगी और इधर की हेल्थ एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो सब अपने ऊपर थोपेगी। क्यों? क्योंकि विराट कोहली है और जो फैलाता है बीमारी, तो पूरा कंट्री का टेक ओवर हो चुका है एक झूठा ज्ञान से। और ये नीच लोग ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज का टेक ओवर कर रहे हैं और प्लीज कर्जे में भी डुबा दिया, किस लिए? टेस्टिंग किट और टोचन के लिए कर्जा लिया, फालतू की टेस्टिंग। चल मेरे में निकला या किसी में निकला, किसी में नहीं निकला, दैट लिटरली डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि बीमार नहीं है। तो तूने विराट कोहली निकाला उससे, दैट डजंट मीन एनीथिंग। और जो बीमार है वो, उसको दूसरा कुछ हुआ रहेगा, विराट कोहली के वजह से नहीं है। और अभी योहान बोल रहा था कि लोग अपने पे हंसेंगे, इतने सारे लोग मर गए, क्या उसको कारण मालूम नहीं कैसे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में गए? 28 गोली का डोज, 218 mg एक टाइम, 9 गोली हैवी एक टाइम, 200 वाला 1800 एक टाइम, 1800 सेकेंड टाइम। इतना अगर तुम विटामिन का गोली खाएगा ना, फिर भी पेट ऐसा खराब होगा कि महीना लगेगा उसको ठीक होने में, इतना स्ट्रांग गोली। फिर ये लोग का रूल था कि रामदावैसर कम से कम 3 देने का, अगर किसी को हल्का है 3 घुसा डाला ओवर नहीं हो गया, और ये एकदम स्ट्रांग है, लीवर किडनी गया उसका। और फिर नाम किस पे डाला? विराट कोहली पे। तो क्या ये जानता नहीं है क्या कि कैसे हुआ सारा हिस्ट्री, कैसे ये लोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग में लोगों को पहुंचाया? तो ये बेसिकली वकालत कर रहा है, नाप तोल के बोलना, सोफिस्टिकेटेड बोलना, बट इनडायरेक्टली गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है। ही इज़ गिविंग फ्यूअल टू देम, गेट्स को। तो गेट्स तो पहले से ही बोल रहा है कि विराट कोहली है,
फौकची भी बोल रहा है विराट कोहली है। 10-20 विराट कोहली तो मेरे हिसाब से फौकची नहीं लाए और पैंडेमिक डिक्लेयर किया बहुत बार। तो फौकची तो भगवान का अवतार हो गया। और ये लोग हर देखो ये पूरा खेल है ना जीनोम सीक्वेंसिंग का है। ये लोग ने जीन बैंक में डाला है सीक्वेंस और किसी का थुकी निकाला या तो वो कंप्यूटर ब्लास्ट टूल, टूल का भी नाम बताता हूँ, उसको सीक्वेंस को अरेंज करेगा टू मैच विद दैट विराट कोहली सीक्वेंस और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आएगा। तो ये लोग क्या बोलेंगे नया वेरिएंट आया। और रोज का मेरा 5 लाख बार टेस्टिंग किया तो 5 लाख नए वेरिएंट निकल सकते हैं क्योंकि हर बार सीक्वेंस अलग अलग आएगा और कंप्यूटर अरेंज करते समय थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स करेगा और फिर कैसा तो करके वो सीक्वेंस तक लेके जाएगा। और ये लोग बोलते हैं कि नया वेरिएंट आया है, नया वीरू आया है, ये भी कंप्यूटर पे खेल चलता है। मैं कंप्यूटर को बोलेगा पोलियो और करुणा नाम की लड़की का सीक्वेंस मिक्स करके एक नया बना के दे, कंप्यूटर बना के देगा अनलिमिटेड जितने चाहिए उतने। तो क्या रोज रोज नया विराट कोहली आएगा और फिर रोज रोज नया अपन टोचन लेते रहेंगे। और ये बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वीरू में मानता है, मतलब वैक्सीन में मानता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, वैसा नहीं चलता है। तू बोलेगा ये बराबर है लेकिन ये गलत है, वैसा नहीं चलता है। तूने बोला उनका साइंस सच्चा है और विराट कोहली सच्चा है तो फिर वो लोग का सॉल्यूशन भी सच्चा है। टोचन लेगा इम्यूनिटी बढ़ेगा वो भी सच्चा है, सारे वेरिएंट भी सच्चे हैं, सब कुछ सच्चा है। फौकची भगवान का अवतार है, फौकची सच्चा है, बिल गेट सच्चा है, मिलिंद नाबाई सच्ची है, मोदी की डिग्री सच्ची है, मोदी सच्चा है, हर्षवर्धन सच्चा है, गुलेरिया सच्चा है, सब सच्चे है। तो फिर सब सच्चे है तो वो लोग ने जो साइंस का बात किया उस पर अमल करो। लो टोचन, हर एक घंटे में नया वेरिएंट आएगा तो लो और एक घंटे में, हर एक घंटे में नया टोचन। सारा खेल कंप्यूटर मॉडल्स पे है, सीक्वेंसिंग पे। इसने क्या सबूत दिया, एक कागज़ पे एक वेबसाइट पे लिखेला कि ऐसा ऐसा स्टडी हुआ था, ऐसा ऐसा मिला। फैब्रिकेटेड स्टडीज़ है, मन से लिखा हुआ स्टडीज़ है और वो तो यूज़ कर रहा है एक डेंजरस प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए जिसका सीधा फायदा पूनावाला को होगा, टोचन कंपनी को होगा। क्या सबूत है तेरे पास, तूने लैब एक्सपेरिमेंट किया है क्या? जो सैम बेली है और उनका जो टीम है, कुछ लोग के पास खुद का लैब है, वो लोग ने टेस्टिंग किया है, तूने किया है क्या टेस्टिंग? तो कैसा क्या मानता है वो लोग ने जो वेबसाइट पे लिखा है वो सच है? पूरा चूतेगिरी चालू है। अभी एक टर्निंग पॉइंट पे आंदोलन पहुंच चुका था, लोगों को लगने लग गया था कि करुणा नाम की लड़की कुछ तो झोलता है, विराट कोहली कुछ तो झोलता, तो अपने वीडियो देख रहे थे कि विराट कोहली था नहीं, सब झूठ है। अभी ये आके बोल दिया विराट कोहली है। तो जो पब्लिक का आई ओपनिंग होने वाला था, पब्लिक वापस कंफ्यूज हो गया कि अरे क्या है, विराट कोहली है कि नहीं, तो मतलब विराट कोहली था तो फिर मैंने टोचन बराबर लिया और लॉकडाउन भी बराबर था, मुँह पे चड्डी भी बराबर था, सब कुछ बराबर था। तो कुछ कुछ
चल तू सच बात बोल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन वो सच है भी नहीं। तुझको लगता है वो सच है क्योंकि तूने एक वेबसाइट पे, एक वेब पेज पे देखा उसका। ये लोग सैम बेली और ये हर एक पेज डिबंक कर चुके हैं, इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स डिबंक कर चुके हैं। विराटोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, डॉक्टर्स हैं, दो तीन बड़े बड़े डिग्री वाले, वो लोग ने डिबंक कर चुके हैं। और तू उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ उसको सबूत बोल के पूना वाले के लिए मार्केटिंग कर रहा है कि इसका सीधा बेनिफिट उनको ही है, टोचन कंपनियों के। लो फिर अभी और रोज एक दो घंटे में, पाँच घंटे में नया विराट कोहली आएगा। और ये सब मैं कंप्यूटर मॉडल्स एआई के, वो कैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले यूज कर रहे हैं नया वैरायटी के लिए और विराट कोहली के लिए। एक रिसर्चर का मैं डेढ़ दो घंटे का वीडियो भी देखा, तो सारे कंप्यूटर पे डाले ले सीक्वेंस है जो कंप्यूटर मिक्स करके, तुम जैसा बोलो वैसा मिक्स करके क्या रिजल्ट आएगा। उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी डाले हैं और प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स मिक्स करके ये लोग नए प्रोटीन भी बना रहे, तो वो अच्छा है। लेकिन विराट कोहली झूठा है, और इंडिया में मुझे नहीं लगता है एक लैब के पास भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सारे जीन बैंक से सीक्वेंस उठाते हैं और लोगों का सैंपल लेके वो सीक्वेंस से मैच करने देखते हैं, और ऐसा करके ये लोग को इंडिया के पब्लिक में नया विराट कोहली मिलता है। और ये स्कैम अभी भी चल रहा है। इट इज़ टाइम टू अवेयर पीपल एंड टेल देम द ट्रूथ अबाउट विराट कोहली, नहीं तो ऐसा ही चलते रहेगा। अभी देखा नहीं दिल्ली में बढ़ गया नौटंकी चल रहा है, नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग विराट कोहली का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और इनका झूठा ज्ञान पे, झूठा साइंस पे अत्याचार चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अरे गांडू लोग, कि ज़रूरी है कि कोई बीमार है तो विराट कोहली से ही है? ठंडा पानी पिया रहेगा, केमट्रेल रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो तूने कंक्लूड किया कि विराट कोहली के वजह से फैल रहा है बीमारी और लोग बीमार गिर रहे। देखो इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी और एक टाइम के बाद अकल आती है, मैच्योरिटी लगता है। ऐसा नहीं तूने वेबसाइट पे पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया तो सब सच है, झूठा भी लिखते हैं। चेटकिन, भूत और अलग अलग डेविल्स पे लाखों किताबें हैं, तो क्या वो सच है? तो किताब वो किस पे भी लिखते हैं, बहुत सारे जादू टोना पे किताबें हैं, तो किसने वो ट्राई आउट करके चेक किया है सच्चा है कि नहीं? तो बहुत सारे इमेजिनरी चीज़ों पे किताब लिखा हुआ है, विराट कोहली इज़ वन ऑफ देम। और एक इमेजिनरी चीज़ पे आतंक फैलाया जा रहा है। सरकार को एक लाइसेंस मिल गया लोगों की पिछवाड़ा मारने का, बर्बाद करने का, आर्थिक रूप से टोचन देके हेल्थ खराब करने का, और बाद में विराट कोहली पे नाम डाल देने का।